एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और ये थोड़ा लेट हो गया है, डेली ब्लॉगिंग हो नहीं पाया, तो अनफॉर्चुनेटली वो वाला चैलेंज उसको छोड़ देते हैं पीछे, नेक पेन हो गया था, तो इसके कारण हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए वीडियो को, डेली वीडियो नहीं हो पाया। मैंने एक वीडियो के बाद ही मेरा पूरा एक दिन का गैप ले लिया दूसरा उसका पार्ट टू डालने में। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन भी दबा लीजिएगा। तो आज बोलिया का है साइंस म्यूज़ियम, इसे सिटी साइंस सेंटर भी कहते हैं, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। जैसे कि आपको पीछे से पूरा व्यू दिख रहा होगा, साइंस म्यूज़ियम सिटी साइंस सेंटर क्या हो सकता है। और हम एंटर करने वाले हैं डायनासोर पार्क में। ये और ये साइंस म्यूज़ियम बना है साहेब बांध के किनारे। साहेब बांध जिनको पुरुलिया में के हैं उनको तो पता होगा ही। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो ये इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक वो कुछ इस टाइप का भी है। मतलब ये वो दिन में जब फिक्स टाइम होते हैं उस टाइम ये हिलते हैं, साउंड करते हैं। तो अभी तो मुझे पता नहीं वो कौन सा टाइम है, हम तो आए हैं अभी, बज रहा है कितना, शाम के 4 बज रहे हैं, तो देखते हैं ये अगर हिलते हुए दिख गए हमको तो ठीक है, वरना बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो हमने ये पूरा राउंड डी वाला राउंड मान लिया है सिप, यहाँ पर अगेन बड़ा वाला है। ओके, रूही हमें ये दिखा रही थी, ये है एक बहुत ही जाइंट डायनासोर। इतना हमें सिर ऊपर करना पड़ रहा है, अरे ये तो दांत का भांगा, और ये बहुत ही बड़ा है। कितनी हाइट होगी इसकी, मुझे आइडिया नहीं है इसकी कितना हाइट हो सकता है, तो ये बहुत ही बड़ा। चलिए देखते हैं ये आ है किधर से शुरू, मैं इसके नीचे से चली जा सकती हूँ। ये दिख रहे है, ये है डायनासोर के पैर। और ये हमने पूरा डायनासोर पार्क का प्रडी वाला राउंड लगा लिया है, और अच्छी जगह है बच्चों के घूमने फिरने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है, बच्चों को जरूर ही लाना चाहिए ऐसी जगह। पार्क वार्क तो जाते ही हैं, तो आपको तो फिर बता ही दिया है बच्चों को जरूर लाना चाहिए। और ये छोटा सा ये रैबिट हाउस बनाया गया है, और अंदर है बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे रैबिट्स, और बहुत है। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, मैं और नहीं गिन रही, वो बहुत ज़्यादा है, कोई इधर उधर भी घूम रहे हैं तो हम और ट्राई भी नहीं करेंगे गिनने का। और ये उनको खाना दिया जा रहा है, तो ये है म्यूज़ियम का अंदर वाला पार्ट। हमने इसको बाद में देखने के लिए छोड़ दिया था, हम पहले डायनासोर म्यूज़ियम की ओर चले गए, डायनासोर पार्क की ओर चले गए। और ये बहुत ही सुंदर टब्स में फ्लावर लगे हुए हैं, हो गया छोटा सा पोपट। एक्चुअली मैंने वीडियो के लिए मास्क उतारवा था, और नो मास्क नो एंट्री है, तो मुझे वापस बाहर जाके अंदर आना पड़ा और मास्क पहनना पड़ा। तो अगर मास्क के साथ आवाज़ तो आती नहीं है, तो फिर भी अगर मैं हाफ मास्क में ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी, हाफ मास्क में ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी, तो वैसे अंदर कोई है, बाहर गार्ड अंकल ने बोला नो मास्क नो एंट्री, तो अब अंदर तो मैं आपको दिखाती हूँ साइंस म्यूजियम का, साइंस मैं आपको दिखाती हूँ साइंस म्यूजियम का अंदर का सीन। और
ओके मैं इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा कुछ बटन भी दबाना है। हाँ कुछ कुछ आवाज आ रही है। और ये हमारे ब्लॉगिंग के लिए बहुत बुरा दिन है। एक्चुअली करंट चली गई है और साइंस म्यूजियम पूरा अंधेरा हो गया है, तो ये मैं ग्लास के सामने खड़ी हूँ इसलिए थोड़ा लाइट आ रहा है, वरना पूरा अंधेरा हो चुका है तो कुछ आगे देखने को बन नहीं रहा है। तो देखते हैं हम कुछ देर वेट करते हैं। 5 मिनट वेट करेंगे, ज़्यादा कितना करेंगे, शाम होने को आइए। तो उतना देर में अगर करंट आ जाए तो ठीक है, अगर उतना देर में करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो ठीक है, वरना इसको भी हम आधा अधूरा ही छोड़ेंगे। आपको कुछ दिख रहा होगा तो बहुत अंधेरा है, ये लग रहा है हॉरर हाउस जैसा। अगर कोई मुझे रात को अकेले छोड़ दे तो ये सच मेरे लिए हॉरर हाउस ही है। वह बाघ चीता वगैरह कुछ बना गया, ये फोटो में कैप्चर नहीं हो रहा है। और मैं आपको वहाँ सामने से आए और ये ट्री देखी चीता ना देखो चेष्टा कुछ दो टू स्नेक्स है, रुई को दो स्नेक दिखे। रुई कहाँ दिखे तुमको स्नेक? एक यहाँ पर, अरे अरे
अरे कहाँ? अच्छा वहाँ पेड़ पे लटका हुआ है। ठीक है चलो दिख गया। चिकन चिकन खाओगे? चलो हो गया है। और आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझसे गुस्सा हो गई रिकी, गुस्सा हो गई रुई को खाना है आइसक्रीम और ये हो रहा है शाम के टाइम तो मैंने उसको मना कर दिया है। रुई 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 देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना। फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो की तरफ देखने के लिए थैंक यू। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी।